हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, समान हिंदी। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सही है, अत्यधिक सही है। क्या सही है? अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता है। फिर इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है दोस्तों? तो प्रतिनिधि होता है। क्या है? प्रतिनिधि। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध अशुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? प्रामाणिक। क्या है दोस्तों? प्रामाणिक है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए यहाँ पर 46 है दोस्तों। क्या है? 46। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? परीक्षा है। क्या है? परीक्षा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी से उसी समय ले ली थी। तो इसमें क्या सही है, श्रुतिलिपि है दोस्तों, श्रुतिलिपि। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी चुनिए दोस्तों, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए तो मुमूर्सु सही है। क्या है? मुमूर्सु। अगला देखिए, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। तो इसमें क्या है, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र सही है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, ऋषि। क्या है? ऋषि। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए दोस्तों, तो श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों? अनुगृहित। क्या है दोस्तों? अनुगृहित है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। तो इसमें क्या है, पृथक है दोस्तों। क्या है? पृथक। अगला देखिए, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक है। अशुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? संकट। क्या है? संकट है। सही वर्तनी शब्द क्या है, खष्ट। क्या है दोस्तों? खष्ट है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? ब्रजभाषा है। क्या है? ब्रजभाषा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? कवयित्री है दोस्तों। क्या है? कवयित्री। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन है दोस्तों। क्या है? अध्ययन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी। उस कवयित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई है, तो कवयित्री है दोस्तों, कवयित्री। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? अध्ययन है दोस्तों। क्या है? अध्ययन। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका नीचे दिए गए विकल्पों में से। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो क्या है दोस्तों? अध्ययन सही है। क्या है? अध्ययन। अगला देखिए, शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? उपयुक्त सही है। क्या है? उपयुक्त। अगला देखिए दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर निर्भर। क्या दोस्तों? निर्भर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये क्या है? भास्कर है। क्या है? भास्कर। सही वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों? शुश्रूषा। शुश्रूषा सही है। शुद्ध वर्तनी वाला वर्तनी चुनिए, शमशान है। क्या है दोस्तों? शमशान। शुद्ध शब्द छाटिए दोस्तों, अभ्यस्त है। क्या है? अभ्यस्त। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए दोस्तों, क्या है? उज्ज्वलन। क्या है? उज्ज्वलन। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो इसमें क्या है, आजीविका है दोस्तों, आजीविका। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है दोस्तों? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र। मानव मात्र को गीता के महात्म में से परिचित होना अनिवार्य। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें दोस्तों, महात्म्य। क्या है? महात्म। अगला देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, आजकल अनुशासन की अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें दोस्तों, तो उच्च श्रृंखलता आएगा। शुद्ध शब्द चुनिए दोस्तों, क्या है? बड़ा सा। अगला देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी वाला सच्चिदानंद है दोस्तों। क्या है? सच्चिदानंद। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध शुद्ध कहलाती है दोस्तों? तो मानक भाषा। क्या है दोस्तों? मानक भाषा। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। क्या है? उपयुक्त है। क्या है? उपयुक्त। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों? तो निरपराध। क्या है? निरपराध है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? तो वागर्थ। क्या है दोस्तों? वागर्थ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए दोस्तों, तो अधीन है। क्या है दोस्तों? अधीन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छाटिए दोस्तों, क्या है? आविष्कार है। क्या है? आविष्कार। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है,
यहां पर देखिए इन शब्दों में शुद्ध शब्द का वचन करिए दोस्तों, तो आकस्मिक है, क्या है? आकस्मिक। शुद्ध वर्तनी वाला क्या है दोस्तों? वाल्मीकि है, क्या है? वाल्मीकि। सही शब्द का चयन कीजिए तो पर्णरीति है दोस्तों, क्या है? पर्णरीति। इनमें से शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, क्या है दोस्तों? आशीर्वाद। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों? ब्रीहणी है दोस्तों, ब्रीहणी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? अनुभूति, क्या है दोस्तों? अनुभूति है। अगला देखिए दोस्तों, कौन से शब्द की वर्तनी सही है? अतियुक्ति है दोस्तों, क्या है? अतियुक्ति। शब्द के रूप में सही का चयन कीजिए, तो इसमें क्या देखिए दोस्तों? तृष्णा है, क्या है? तृष्णा। अगला देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ऊऋण है, ऊऋण। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो दृष्टा है दोस्तों, क्या है? दृष्टा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों? विदुषी है, क्या है? विदुषी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें क्या है? अस्पृश्यता है दोस्तों। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है दोस्तों? अनुग्रहित, क्या है? अनुग्रहित। संगम शब्द किस तरह की अशुद्धि है दोस्तों? तो अनुनासिक है दोस्तों, क्या है? अनुनासिक। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो भागिया है दोस्तों, क्या है? भागिया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? तो अंगना है, क्या है? अंगना। निम्न में किस शब्द का वर्तनी सही है? सन्निधि, क्या है दोस्तों? सन्निधि। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो बरात और बसंत है, क्या है? बरात और बसंत। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प छाटिए दोस्तों, व्यंग। अगला देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? अंत्याक्षरी है, क्या है? अंत्याक्षरी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय। अगला देखिए, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए दोस्तों, तो पुनर्जागरण है, क्या है? पुनर्जागरण। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो उपयुक्त सही है, क्या दोस्तों? उपयुक्त। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करिए, तो परमार्थ है दोस्तों, क्या है? परमार्थ। अगला देखिए, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए दोस्तों, श्रृंगार है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों? श्रृंगार। अगला देखिए, निम्नलिखित का सही वर्तनी होगा? अनुनासिक होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ये क्या है? कर्मनाशा है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, सुषमा है दोस्तों, क्या है? सुषमा। अगला देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी बताइए, तो शुश्रूषा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? महत्व है दोस्तों। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों? दधीची है और घनिष्ठ है, तो दधीची और घनिष्ठ सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताइए दोस्तों, इसमें क्या है? उज्ज्वल है, क्या है? उज्ज्वल। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है क्या दोस्तों? उज्ज्वल है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए, तो उज्ज्वल है दोस्तों। कौन से अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? जलवायु है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए दोस्तों, प्रतिज्ञा और आशीर्वाद, प्रतिज्ञा और आशीर्वाद है। अगला देखिए, शब्द का सही वर्तनी क्या है दोस्तों? सौंदर्य वर्धक है, क्या है? सौंदर्य वर्धक। अगला देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें प्रज्वलित है दोस्तों, क्या है? प्रज्वलित। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला वर्तनी का शब्द क्या है दोस्तों? ज्योत्सना है, क्या है? ज्योत्सना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है दोस्तों? आंख। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? भीष्म है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों? प्रशंसा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कपूत और सपूत है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों? निरपराध है। अगला देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है दोस्तों? मिथिलेश कुमारी है, क्या है? मिथिलेश कुमारी। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है दोस्तों? नौकरी। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? हिरण्यकश्यपु है, क्या है? हिरण्यकश्यपु। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? प्रतिदर्श है दोस्तों, क्या है? प्रतिदर्श। एक की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? अन्नाश। अगला देखिए, एक की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? पर्यवसान। अगला देखिए, एक वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? उन्नयन। अगला देखिए, एक की वर्तनी शुद्ध है तो आविष्कार है दोस्तों। एक की वर्तनी शुद्ध है तो औक्षणी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? क्लेश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? श्रृंगार। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? उज्ज्वल। अगला देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? हिरण्यकश्यपु। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? कवित्री। अगला देखिए,
निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों? उज्ज्वल। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो संन्यास। अगला देखिए, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? उपरोक्त। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? अनुषांगिक। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो अनुग्रहित। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? नरक। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए टिप्पणी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग UPPCS CSAT और UPSI UP पुलिस UP SSSC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।